बताइए। घर पे जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को रखरखाव करते हैं, उसी तरह से वही लाड़ प्यार बच्चों को यहाँ दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्रगढ़ शहर जो है एजुकेशन का हब बन चुका है और यहां पर बाल फुलवारी जो है जिस संस्था में हम आज खड़े हैं, इस तरह की संस्थाएं एक स्तंभ का जो है परिचय दे रही हैं अपने आप में महेंद्रगढ़ एजुकेशन हब बनाने में। तो बाल फुलवारी जो ये एक स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है, ख़ासतौर पर जो फूल से प्यारे बच्चे होते हैं, यूँ कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के बारे में बताने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सर पारस जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर। सर, पहले BHD एकेडमी एक अपना एक संस्थान था, बाकी उसके बाद आपने एक नया एक आयाम स्थापित किया, बाल फुलवारी एक नई संस्था लेकर आए, क्या कहेंगे? मन में एक काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी कि एक प्ले स्कूल ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो। महेंद्रगढ़ में बड़ी जो शिक्षा संस्थान है वो उन्होंने महेंद्रगढ़ को एक पहचान दी है कि आज महेंद्रगढ़ एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे स्कूल को लेकर के, जो बच्चों को लेकर के, जो हम एक्टिविटीज समझ रहे थे कि ऐसी एक्टिविटी मतलब विदेशों में ही होती है, चाइना में, जापान में, कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही जब वो 2-3 साल का होता है उसी समय से उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है जी। तो वो चीज़ों की यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि और अच्छा हो सकता है, इसलिए हमने बाल फुलवारी स्कूल की यहाँ पर स्थापना की। कब शुरुआत कर दी थी अपन ने? हमने इसकी 1 अप्रैल 2018 से स्टार्टिंग कर दी थी। तो मतलब पहले कुछ सेशन जा चुके हैं जी। अब कौन सी क्लास तक है स्कूल? अभी हमारा क्लास प्ले क्लास से लेकर के मतलब 3री क्लास तक, 3rd क्लास तक के हमारे स्कूल हैं, क्लासेज चल रही हैं और अब हम धीरे धीरे इसको आगे और आगे बढ़ा रहे हैं प्राइमरी तक। ये प्ले स्कूल है तो एक उम्र होती है ना छोटे बच्चे की, तो क्या उम्र है वो? 2.5 साल से बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स तो और भी जल्दी भेजने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उनको कंफर्टेबल होता है 2.5 साल का बच्चा आ सकता है, कोई इशू नहीं। देखिए 2.5 साल का बच्चा खुद तो आ नहीं सकता तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हमारी डोर टू डोर है। अच्छा। और जैसे कि जो बच्चे का मकान होता है, घर होता है, घर के आगे से बच्चे को पिक करते हैं, घर के आगे बच्चे को ड्रॉप करके आते हैं और पेरेंट्स की देख रेख में बच्चे को हैंड ओवर करके फिर पेरेंट्स को भी सुविधा हो जाती है और बच्चे भी ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि वैन जैसे ना या स्कूल बस जैसे दूर आती है तो पेरेंट्स को भी बच्चों को ले जाना पड़ता है, वहाँ जाके 15-20 मिनट उनका टाइम वेस्टिंग भी होता है, वो मतलब खड़े भी रहते हैं। कितने तो, किलोमीटर्स तक ये सर अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी? यहाँ पे आसपास के जो भी गांव है वहाँ पर हमारी वैन मतलब जा रही है, 6-7 किलोमीटर तक जा रही है। एड्रेस हमारा रेलवे रोड के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक के सामने है और ये हमारा खुद का एक काफ़ी बड़ा कैंपस है। पर्सनल यहाँ पर हमारा पूरा बना हुआ है, यहाँ पर कोई बाहर का ट्रांसपोर्ट या इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे कोई डिस्टर्बेंस हो, तो बिल्कुल शांति प्रिय और बिल्कुल ना एक तरीके से प्रकृति की गोद में, चारों तरफ हरियाली और अच्छा माहौल है यहाँ जी। माहौल तो हम स्वयं यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी विशेष बात यह है कि जैसा कि पारस जी ने यहाँ पर बताया अभी अभी कि ये एड्रेस है, तो एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई पड़ा होगा और अब भी पड़ रहा होगा, आप एड्रेस भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उसमें मेंशन है। बाकी थोड़ा स्कूल के बारे में बताते दिखाते जी। जी, कोई एक आध क्लास विजिट जी? बच्चों को एक तो ठंडा गर्म पानी हर टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं,
कई बार क्या होता है कि बच्चे को ना मौसम के अनुसार पानी नहीं मिल पाता तो बच्चे और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। सर्दियों में बच्चे के लिए हॉट वाटर, गर्मियों में कोल्ड वाटर, नॉर्मल जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स जैसी गाइडलाइन देते हैं वैसा हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए सारा स्कूल तो हम विजिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आध कोई क्लासरूम जो यहीं पर हो। बिल्कुल, ये हमारे जैसे एक्टिविटी रूम है, ये पूरा ऑफिस ही, आप कैंपस पूरा देख रहे हैं, अलग अलग रूम बने हुए हैं, क्लास वाइज है, अट्रैक्टिव बने हुए पूरे ना, बच्चों को रंग बिरंगे जैसा पसंद होता है, बच्चों की जो पसंद होती है उसके अनुरूप पूरा हमने डेकोरेटेड कर रखा है। बहुत अच्छा जी, ये एक्टिविटी रूम है, आप इसको भी ये एक्टिविटी रूम है, दिखा दो भाई, अंदर से दिखाओ, बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। अच्छा, यहाँ म्यूजिक फैसिलिटी वगैरह सब दे रखा है। फैसिलिटीज ये यहाँ पर बच्चे डांस की प्रैक्टिस अच्छा। या आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रैक्टिस वो सब यहाँ पर करते हैं बच्चे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी सर पूरा तो हम संस्था देख नहीं पाएंगे ऐसे घूम फिर के, लेकिन फिर भी आप है ना एक बार आप मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं। ये बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये एक्टिविटी सारी बच्चों के द्वारा बनाई जाती हैं, मतलब टीचर्स की हेल्प से जी। तो और फिर पेंट इन में बच्चे करते हैं, कटिंग का जो काम है वो टीचर्स कर देते हैं और बाकी पेंट का करना ये सब बच्चे करते हैं जी। तो बच्चों के हाथों से ही काम करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, है ना। इधर का भी दिखाओ भाई, ये वाला जो सेक्शन है इस तरफ जो हमारे दूसरे साइड में है, ये भी एक अच्छी क्रिएटिविटी है वैसे, है ना। ऑफिस चलें सर अब जी। तो यहाँ पर अभी हम है ना ऑफिस, आप देख रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर पहुँचने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ जो हैं बाल फुलवारी की प्रिंसिपल मैम हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो ये इस तरह से यहाँ पर पूरा टाइम दे रही हैं तो किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। विशेष तो ये है कि छोटे बच्चे, प्यारे फूल से प्यारे बच्चे, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पेरेंट्स से एक छोटा बच्चा नहीं संभल पाता है। मैं खुद एक बच्चे का पिता हूँ, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? घर पे जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को रखरखाव करते हैं उसी तरह से वही लाड़ प्यार बच्चों को यहाँ दिया जाता है। बच्चों को जितना पोलाइटली से आप बच्चों को हैंडल करोगे वही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं। बच्चों को यहाँ पर जितना प्ले विद एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, टीचर्स को इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है और सभी टीचर्स अब क्लासेस के सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं वो जी। अच्छा, तो इन ये जो टीचर्स हैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती होगी इस तरह की? हाँ जी, उन्हें 1 मंथ में बाहर से टीचर्स आते हैं जो ट्रेनिंग के लिए, इन टीचर्स को बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, जो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा के उन बच्चों को ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जैसे जो सारे बच्चे हैं ये एक्टिविटीज़ की ज़्यादा बात हो रही है तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराई जाती हैं कुछ यहाँ पर? राइट, एक्टिविटीज़ का जैसे ड्राइंग से कुछ बच्चे जब स्टार्टिंग में आते हैं बहुत रोते हैं तो उनको, और अधिकतर फ़ोन से ही कनेक्टेड रहते हैं बच्चे जी, तो हम उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग एक्टिविटीज़ या डांस एक्टिविटीज़, म्यूजिक से रिलेटेड एक्टिविटीज, बच्चे का मन डाइवर्ट करवाते हैं हम लोग। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ हम आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए जितनी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है उतनी ही आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं। तो हम बच्चों के लिए गेम्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए गेम्स स्पोर्ट्स डे स्टार्ट करवाते हैं यहाँ पर, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई एक्टिविटीज़ करवा दी जाती हैं बच्चों को और ड्राइंग वगैरह ये सब चीज़ें बच्चों को बनवाई जाती हैं जी। अच्छा, बात करें यहाँ स्टडी मटेरियल और इन सब चीज़ों की, तो स्टडी मटेरियल जो भी होता है बच्चों के लिए, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, ये सब हम बच्चों के लिए फ्री है यहाँ पर अभी UKG तक। हाँ, यहाँ से ही प्रोवाइड करवाया जाता है, पेरेंट्स को पहले ही मना कर, क्योंकि हम जितना बच्चों की सेफ्टी को भी लेके चलते हैं उसके लिए भी, और बच्चों के लिए हम यही जो भी सामान होता है यहीं प्रोवाइड करवा के यहीं यूज़ करवा दिए, उन्हें बैग में हम ये चीज़ें अलाउड नहीं करते हैं। बात करें सेफ्टी की, अभी आपने एक सेफ्टी की बात करी तो CCTV वगैरह इस तरह सब सर्विलेंस है, CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं यहाँ पर, हर रूम में कैमरा लगे हुए हैं बच्चों। और छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की केयर से संबंधित एक बात आती है कि छोटे बच्चे हैं तो कभी भी जैसे मान लीजिए वॉशरूम, टॉयलेट इस तरह की समस्या रहती है तो उनके लिए क्या फैसिलिटी? नहीं, वॉशरूम वगैरह एकदम क्लीन रखते हैं बच्चों के लिए, और हमेशा जो प्ले क्लास और नर्सरी क्लास है उसमें तो ऑलरेडी 1-1 मेट हमेशा अवेलेबल रहती है उनके साथ। अच्छा। तो जैसे 1-1 की आपने बात करी तो रेशियो क्या रहता है जैसे टीचर्स का स्टूडेंट्स का? वहाँ पर 15 स्टूडेंट्स 1 टीचर्स।
स्टूडेंट्स और ऊपर एक टीचर होता है, एक टीचर अवेलेबल रहता है हमेशा। हाँ जी, कितने बजे स्कूल खुलता है ताकि पेरेंट्स जो है जानकारी ले पाए? यहाँ पर 8:30 पे स्कूल ओपन हो जाता है, जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल मिल जाते हैं उस टाइम सभी टीचर्स रहते हैं 8:30 पे। 9:30 का अभी टाइमिंग है हमारा वो, उसके बाद 1:30 तक छुट्टी होती है बच्चों की, और 2 o'clock तक हमारे पास सिस्टम टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग 5 o'clock तक अवेलेबल हमेशा रहते हैं जी। क्योंकि हमारे क्योंकि स्कूल के पास ही रेजिडेंस है, तो ये फैसिलिटीज़ और भी मिल जाती है पेरेंट्स को कि कभी भी आके वो हमसे मिल सकते हैं जी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी ख़ास तौर पर ये है बात कि महेंद्रगढ़ जो शिक्षा का हब है अपने आप में, उसके अंदर इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो बच्चों के भविष्य निर्माण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। और ये तो नींव है एक्चुअल में, जो प्ले स्कूल है वो तो नींव होता है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल के अंदर जाता है वो फर्स्ट क्लास होती है। जो कहते हैं ना, जो दीवार जब धरती से बाहर निकलती है, ज़मीन से बाहर निकलती है, तो ज़मीन से बाहर जो निकली दीवार है वो तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वो सब है, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट क्लास से भी पहले का सेक्शन यानी जो नींव है, नींव यहाँ पर मजबूत की जा रही है बाल फुलवारी स्कूल के अंदर। एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। अगर आप मेरी तरह ही किसी एक बच्चे के, दो बच्चे के पिता हैं, जो आपका बच्चा 2.5 साल प्लस का है, तो संपर्क जरूर करें स्कूल के अंदर। यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है विजिट करके बातचीत से हर तरीके से, तो फिर आप यहाँ पर अपने बच्चे का दाखिला कराएं। ऐसी ही और संस्थाओं के बारे में भी हमने बहुत सारी कवरेज की हैं, आप इन सभी कवरेज को और साथ में जो हमारे जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, सार्वजनिक चर्चाएं हैं जो हम शहर के उत्थान विकास के लिए कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं उन सभी को। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।